भारत माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। दोस्तों 17 तारीख यानी कि आपके मत का अधिकार का उपयोग करने का सबसे बड़ा अधिकार आपको मिलने जा रहा है। अपने मत का उपयोग करने के पहले, किसी पार्टी को वोट देने के पहले एक बात दिमाग में और जहन में अवश्य रखिएगा कि वोट उसको देना है जो सनातन के लिए हो, धर्म के लिए हो, आपके हिंदुत्व की रक्षा के लिए हो। आज जो लोग वोट मांगने के लिए आसपास में आ रहे हैं उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, आप लोग अगर कोई आपके माता पिता को, आपके अस्तित्व को, आपके अधिकार को, आपकी पहचान को गाली दे तो आप क्या करेंगे, क्या साथ देंगे उसका आप? या जो लोग ऐसे व्यक्ति को जिसने कि आपकी पहचान को, आपके अस्तित्व को, आपके माता को पिता को, खानदान को ललकारा हो, गाली दी हो और बाकी लोग उनका समर्थन भी कर रहे हों, तो क्या ऐसे व्यक्ति को आप साथ देंगे? एक खानदानी व्यक्ति, एक इज्जतदार व्यक्ति जिसका गुरूर होगा, गुमान होगा, जिसे अपने आप पर, अपने खानदान पर, अपने खून पर, अपने परिचय पर अहंकार होगा, गर्व होगा, वो शायद कहीं भी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे तिरस्कृत लोगों को अपना मत, अपना चुनाव, अपना प्यार, अपना समर्पण कभी नहीं देगा। याद करें स्टालिन को, जिसने कि सनातन धर्म को एड्स से भी ज़्यादा और डेंगू मलेरिया से भी, एचआईवी से भी ज़्यादा खतरनाक कीटाणु की उपमा दी थी और ये कहा था कि इसे भारतवर्ष से, जमीन से ख़त्म कर देना चाहिए। और इसके बनाने के बाद में विरोधी पार्टियों ने, उनके जो पक्षी पार्टियां थीं जो उनके समकक्ष हैं, INDA अलायंस ने भी उसका कोई विरोध नहीं किया बल्कि समर्थन किया। समर्थन कैसे किया? एक आप देखिए, जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं आपके मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके पुत्र जो कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं, आपके बहुत बड़े पद पर आसीन होने वाले व्यक्तित्व ने भी स्टालिन का समर्थन किया। उसके बाद में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, वही पीछे नहीं हटे सनातन को, हिंदुत्व को नीचा दिखाने में। फिर आप देखें कांग्रेस नेता कुरैशी साहब, उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि कांग्रेस कार्यालयों में देवी की प्रतिमाएं लगाई जाती हैं, मूर्ति स्थापना की जाती है, वो डूब मरने लायक कांग्रेसी नेताओं का कृत्य है। नर्मदा का उद्घोष करना, रामजी के नारे लगाना भी उन्हें पसंद नहीं है। अब सोचिए दोस्तों, जब आपकी ही किसी पार्टी के नेता सनातन के विरोध में सरकार बयान देते हैं और बाकी लोग खामोश रहते हैं, तो क्या ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे लोग सनातन की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, आप लोगों की सुरक्षा और मान सम्मान के लिए किस आंकलन पर खड़े होते हैं, इसका फैसला आपको 17 तारीख को लेना है। अगर आप अपने अस्तित्व पर गाली सुन सकते हैं, आपका परिचय आपका सनातन है, आपकी पहचान आपका सनातन है, आपका अहंकार आपका गर्व अगर आपका सनातन है, तो ये वोट देने के पहले, एक सरकार का निश्चय करने के पहले अवश्य सोच लीजिएगा कि हर सरकार में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे आते रहे हैं, आते रहेंगे, ये कहीं बंद नहीं हो सकते, लेकिन आपका हिंदुत्व, आपका मान, आपका सम्मान, आपका अहंकार की कद्र अगर कोई नहीं कर रहा है और उसके बाद भी आप उसका चयन करते हैं, तो आने वाले हालात के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसलिए आप मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, चुनाव उसी का करें जो सनातन का हो, धर्म का हो, आपके प्यार का हो, आपके गर्व का हो, आपके अहंकार का हो, आपके घमंड का हो और आपके सनातन की सोच का हो।